मैं आपसे कह रहा हूं, जो राहुल गांधी जिस ढंग से बोल रहे हैं, इन्होंने राहुल शब्द के अर्थ ही बदल दिए हैं। जब इन कृत्यों को देखता हूं तो मुझे लगता है राहुल में RAHUL पांच शब्द है, आर से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया, ए से अब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते हैं और कुछ भी कह देते हैं, और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है, G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर, झूठा, जो उदाहरण मैंने आपको यहां दिए हैं, क्या इनको हक है? और ऐसी कांग्रेस जिसके सोच का ठिकाना नहीं है, जिन्ना की राह पर राहुल गांधी जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कभी यह कहा था कि आजादी दिलाना कांग्रेस का लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो पूरा हो गया, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। महात्मा गांधी की बात पंडित जवाहरलाल जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने यह संकल्प लिया है कि वो महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई बात को पूरा सच साबित करके रहेंगे, और इसलिए ऐसा लगता है उन्हें कांग्रेस की समाप्ति का जिम्मा उठा रखा है। अब ऐसी कांग्रेस जो झूठी घोषणाएं कर रही है, झूठे वादे कर रही है, लोगों को ऐसा ना समझें कि वो कहेंगे और जनता मान लेगी। अब ये आसाम आ गए, अब यहाँ आके गारंटी दे रहे हैं, पांच गारंटी। मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल बाबा कांग्रेस के नेता हो, अब कांग्रेस की गति क्या है इस पर मैं लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो चीज़ें तुमने मध्य प्रदेश में पूरी नहीं की, छत्तीसगढ़ में, अब ये आजकल मुझे बताया कि ये अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट का फॉर्म, असम के नौजवानों रोजगार के लिए तैयार रहो, ये जॉब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये पहले छत्तीसगढ़ में भी बांट चुके, मध्य प्रदेश में भी बांट चुके, कर्जा माफी के फॉर्म मध्य प्रदेश में गांव-गांव जाके भरवा लिए और कहा के बाद आपका कर्जा माफी पक्का, अब कह रहे हैं रोजगार पक्का, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैसेजेज भेजे जा रहे हैं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। इतना झूठ बोलते हुए राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, गारंटी की बात कर रहे हैं।